कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम आमने सामने में। मुद्दा है सचिन पायलट। देखा जाए तो सचिन पायलट क्या अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। अगर देखा जाए दूसरी तरह तो सचिन पायलट को अब कांग्रेस पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिल रही, उनके सीएम बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यहाँ पर गहलोत हो गए, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो गए, केसी वेणुगोपाल हो गए और भी तमाम नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी सब लोग बैठक करते नजर आते, लेकिन सचिन पायलट नजर नहीं आते, जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई वो ये कही जा रही है कि स्मृति ईरानी भी इस मामले का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। पायलट गुट का समर्थन कर रही है और यहाँ पर गहलोत गुट का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पायलट गुट इस वक्त यहाँ पर शांत बैठा हुआ, जिसको लेकर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए राजस्थान की सियासत आए दिन लगातार गर्माती हुई नजर आती है। फैसले लेने को कहा जाता है लेकिन फैसले लिए नहीं जाते, लगातार देरी हो रही है। 9 से 10 महीने में चुनाव होने वाले, कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी नहीं होगी इस पर भी सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर सचिन पायलट इस तरीके का कदम उठाते हैं अपनी पार्टी बनाने का, तो क्या इससे उन्हें फायदा होगा या फिर नहीं होगा, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो मेरे साथ हैं, उनसे ये सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या सचिन पायलट के लिए फायदेमंद वाली बात कौन सी रहेगी। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा कि उन्हें नई पार्टी बना लेनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं तो क्या खुद को उस तरीके से स्थापित कर पाएंगे जैसे गहलोत ने कर रखा है राजस्थान में? देखिए, मुझे लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि 2020 में जब उन्होंने बगावत करी थी, हालांकि ये बगावत जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस जरूर सोच रही होगी कि अगर उस वक्त कोई बड़ा फैसला हो गया होता तो आज पार्टी इस स्थिति में ना जाती, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि उनके जो तमाम विधायक हैं और वो गहलोत सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो उनके खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे हैं। और अगर अपनी पार्टी बनाने की बात करी जाए, पायलट के पार्टी बनाने के पीछे तमाम फैक्टर्स हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से लेकर तमाम ऐसे गढ़ हैं जहाँ पर उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है। और गुर्जर समाज ही कह चुका है कि अगर चुनाव में उन्हें आगे नहीं कर किया जाता तो वो अपना वोट कहीं ना कहीं किसी और पार्टी को देने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसमें हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसे वोट मिल जाए या फिर बीजेपी की तरफ वोट चली जाए, क्योंकि गुर्जर समाज का एक बड़ा वोट है और तमाम ऐसा बड़ा तबका है जिसमें किसान हो गए, आम जनता हो गई, वो पायलट को आगे जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अभी से देखने लगी है। तो आपने यहाँ पर गुर्जर समाज की बात की, तो उसी को लेकर अगर सवाल करें कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लोगों ने जमकर स्वागत किया, उनका स्वागत अच्छे से किया और कहीं ना कहीं देखा गया कि जो गढ़ यहाँ पर पायलट के नाम से देखा जाता था, आज वो गढ़ यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहा है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी लहर नहीं चल सकती? देखिए, लहर की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है वो लहर वाला समय समाप्त हो चुका है, अब मुद्दों की लड़ाई होती है। अब जैसा कि हमने देखा दिल्ली में भी चुनाव हुए और बाकी तमाम जगह पर चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, अगर मोदी लहर होती तो वहाँ पर बीजेपी की जीत हासिल होती, लेकिन अब मोदी लहर जो है वो समाप्त हो चुकी है, जो काम करेगा वही जीत पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, वहाँ पर भी काम हुए हैं। ओल्ड पेंशन अगर स्कीम की बात करी जाए तो गहलोत सबसे पहले इस स्कीम को लेकर राजस्थान में गए थे, लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो यहाँ पर स्कीम से परे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग देख रहे हैं और वही हम डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं अब जनता अपना समर्थन पूरी तरह से दे बैठी है। और जिस तरीके से हम लगातार चीजें देख रहे हैं, आलाकमान ये भी कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इस बजट के आसपास कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं बुलाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि पायलट पर कोई बड़ा ऐलान जरूर होगा। फिर चाहे आने वाले वक्त में जो भी, चाहे कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह नजर आती है, जो भी होता है, लेकिन ये माना जा सकता है। जी, तो यहाँ पर कपिल ने अपनी राय रखी और कपिल ने कहीं ना कहीं इस बात को समझने की कोशिश की और हमने भी इस बात को समझने की कोशिश की कि पायलट है तो कहीं ना कहीं पार्टी आसानी से रिपीट कर सकती है और पार्टी को नुकसान भी हो सकता है या फिर पार्टी को फायदा हो सकता है, इस तरीके की तमाम सवाल यहां पर भी बने हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सचिन पायलट अपनी पार्टी अगर बनाते हैं तो क्या कुछ यहाँ पर करते नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। अब्रार से यही सवाल हम लेंगे, अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन जिसमें या तो वो कांग्रेस पार्टी में बने रहे यहाँ पर जिस तरीके से बने हुए एक उम्मीद पर, दूसरी बात कि बीजेपी में चले जाए, तीसरी बात अपनी पार्टी बनाए, तो इन 3 राहों में से कौन सी राह चुननी चाहिए सचिन पायलट को? सचिन पायलट जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान में आप कह सकते हैं कि इस असमंजस में फंस गए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को वो छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी में उस तरीके से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है। और अभी की अगर बात की जाए तो दरअसल कहा यह जा रहा है कि
राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद अगर किसी का नंबर या फिर कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में है तो वो सचिन पायलट ही हैं। और मात्र अगर 2-3 साल और मुख्यमंत्री रह पाते हैं अशोक गहलोत, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मौका ज़रूर मिलेगा। और इसी वजह से पार्टी हाईकमान भी इस वक्त कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नज़र आती है कि अगर पूरी तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत के ख़िलाफ़ यकायक अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर उनके साथ जो बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नाराज़ होगा। और चुनाव से ठीक पहले कोई भी सियासी पार्टी इस तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि चुनाव होने तक इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं। लगातार कई बैठकें की गई है लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो जस के तस बने हुए हैं। तो अब सचिन पायलट ने अब तक जो तमाम बयानबाजी की है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके मन में, उनके जहन में ज़रूर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई बड़े फैसले के बारे में इस तरीके से आगाह नहीं किया है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से पार्टी के खिलाफ या किसी नई पार्टी के बनाने में या फिर बेनीवाल को लेकर की जो तमाम बातें कही जाती है वो उस तरीके से कदम उठाते नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। फिलहाल इस तरीके से लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा टॉपिक गुर्जर समाज बना हुआ है कि वही समाज है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को हरा सकता है, कांग्रेस को जिता सकता है, या कांग्रेस की हार बीजेपी की जीत करा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन कौन से समुदाय है जो बहुत अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं और पायलट का साथ देते नजर आ सकते हैं? देखिए, गुजर समाज को लेकर के इसलिए भी खासी बातें हो रही है क्योंकि गुजर समाज पूरी तरीके से सचिन पायलट के साथ नज़र आता है, कांग्रेस पार्टी के साथ नज़र आता है, और इसी वजह से बीजेपी लगातार उस वोट बैंक को साधने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि उनको उस तरीके से कोई कामयाबी अब तक तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि गुजर समाज से भी अलग है। अगर कई जो है समाज की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, और इस समय अशोक गहलोत के लिए एक बड़े राहत की बात यह है कि जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जो चीज़ें देखने को मिलती है वैसा कोई भी बात इस समय नज़र नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत के लिए ये एक बड़ी जो है सफलता की बात है कि सरकार उन्होंने ठीक ढंग से चलाई है। लेकिन देखना होगा कि अब जो है इस बार भी क्या जो है सरकार रिपीट हो पाएगी, क्या अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल पार्टी के भीतर जो अंतर्कलह है उससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता में दोबारा जो वापसी की तमाम बातें कही जा रही है वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म होती नज़र आ सकती है, और कहीं ना कहीं जनता बीजेपी को अपना विकल्प बना सकती है। शुक्रिया अबरार यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं यही समझने की कोशिश की जा रही है कि जो सचिन पायलट है वो क्या कदम उठाते नजर आएंगे, क्योंकि इंतजार की अति हो चुकी है। यहाँ पर अभी शांत बैठा है पायलट वोट और लगातार यही मांग करता नजर आता है कि पायलट को सीएम बनाया जाए, लेकिन शायद यहाँ पर बड़े आलाकमान लोगों में जू तक नहीं रेंग रही है, उनके कानों तक यही सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे, क्या इंतजार करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी में रह कर जिम्मेदारी मिलने का मुख्यमंत्री बनने का, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी की तरफ रुख करेंगे जैसे सिंधिया ने किया था और आज उड्डयन मंत्री है वो बीजेपी में, या फिर अपनी ही पार्टी बनाएंगे और उनका साथ कौन यहाँ पर देगा, ये भी सवाल है। अब इन तीनों में से क्या करना चाहिए पायलट को, इस पर राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।